भाइयों, ये ईख हमने 11 तारीख में बोई थी और आज 31 है। ये देखो, खूड़ चमकने लगे। ये धोरे का खूड़ है, इसमें नमी है, इसमें एक धोरे से जम रहा है। ये देखिए देखिए, अब क्या गजब जम रहा है। हर बिलहान पर पोवा है। वैसे हमने इसकी नर्सरी तैयार की है, 800 सवा 800 पेड़ तैयार किए हैं एक आँख के। जैसे ही और ये 1 फुट का होगा उधर, वो नर्सरी बढ़ती रहेगी तो हम इसमें बीच में रोपाई कर देंगे। बिल्कुल खूड़ लग गया। इस खूड़ में थोड़ा कम है, मतलब जमाव तो हो रहा है लेकिन थोड़ी ऊंचाई कम है क्योंकि इसमें नमी थोड़ी कम मिल रही है। और ये सारे खूड़ों में जमने लगा। मोथा हो रहा है लेकिन हम मोथे में स्प्रे नहीं करेंगे, हम इसमें या तो खुरपी निकलवाएंगे या फावले से हल्की खुदाई करवाऊंगे। कई बार दवाई का जो है ना साइड इफेक्ट हो जाता है। हमारे यहाँ कर्मवीर हैं, उन्होंने एक आँख का गन्ना बोया था और वो किसी दुकानदार ने उन्हें गलत साल्ट की खरपतवार फूंकने की दवाई दी थी और उससे उनका 50% गन्ना ख़राब हो गया था। बड़ा दुख हुआ हमें सुन के। तो किसान किसान की जब फसल ख़राब होती है ना, बहुत जोर पड़ता है भाई। हमें ये फार्मूला बहुत अच्छा लगा जो अमर सिंह जी नूरनगर वालों ने हमें बताया था, वरना हमें 3-4 पानी देने पड़ते। 3-4 पानी में इसमें इतना खरपतवार हो जाता, ना ही की दिखाई देती खरपतवार में। अब देखिए, ये देखिए आप, हमने इसमें 11 तारीख को ही पानी दिया था और 20 दिन हो गए, एक कक पौवा चमक रहा है। ये देख लो आप, ये मिट्टी पड़ी है सूखी और नीचे अब भी नमी है, बिल्कुल ठंडी मिट्टी निकल रही है नीचे। तो इतनी नमी काफ़ी है गन्ने के लिए। और अभी हम इसे 15 दिन पानी नहीं देने के, जब तक खूब ना जमे, तब देखते हैं इसका मोथे का इलाज कैसे किया जाए। क्योंकि 15 दिन बाद तो अगर हम पटड़ी पे ऊपर जुताई भी कर देंगे या साइड में खुरपी भी निकलवा देंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। अगर एक बार खुरपी निकल जाएगी तो मज़ा आ जाएगा इस पर। और कोई आप भाइयों को नया तजुर्बा हो आपके पास तो हमें बताएं, क्योंकि हमें जो ये गन्ना करना है आप लोगों के सहयोग से ही करना है। लागत तो हम लगाएंगे, अपने तजुर्बे आप बताएंगे, क्योंकि किसान भाई हम जब जुड़ चुके हैं यूट्यूब से, सोशल मीडिया से, तो किसानों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, दवाई लाएंगे छुपा के, चोरों की तरह बुग्गी पे लाऊंगे रख कर, खेत में ले जाकर उसे घेर कर उसका रैपर सा धरती में दाब दें। वो सोचा भाई तू ही बिरला हो गया, दूसरे को पता ना चल जाए। और बाद में जब पता चलता है ना, वो नकली साल्ट थार फर्जी दवाई दुकानदार ने भेज दी, फिर वो कोड़ी भर कर होता है, पछताता है। तो नकली दवाइयों से बचें और एक दूसरे का सहयोग करें। कई बार ऐसा होता है, ये जो क्षेत्र में ही लोकल बना लेते हैं लोग बाग, उसमें इतना अच्छा साल्ट मिल जा के वो गजब ढा दे। एक बार हमने धान में बादल नाम की डाली थी, कहीं बड़ौत में बन रही थी, वो हमारे मित्र दे गए 200 रुपये की, वो सीसी थी 1 किलो की, दानेदार थी उसमें। हमने वो यूरिया मिला के धान में बखेर दिया, आप विश्वास नहीं करेंगे। 2 हाथ में पकड़ में आता था मीठा, एक कख में 40-40 किले फूट की धान के, इतना गगला गया, इतना तकड़ा हो गया ओवर। फिर हमने वो गन्ने में डाला, उसने गन्ने में असर दिखाया। उसके बाद में वो बंदा हमारे पास नहीं आया ना, वो हमें फिर बाजार में बादल मिली। तो कई बार सस्ती दवाइयाँ भी बहुत अच्छा काम कर देती हैं, लेकिन उसका पता लगता है हम किसानों को जब हम बरत लेते हैं। तो दोस्त, तो आज की वीडियो इतनी काफ़ी है, इसे मैं अंश पूनिया व्लॉग चैनल के माध्यम से आपको दे रहा हूँ। नमस्कार।